होंडा डियो 110 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई इंडिया में। जब ये लॉन्च हुई तो एक्टिवा के सामने जब इसको खड़ा किया गया सेम इंजन देखे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश स्कूटर लोगों को नज़र आई। उसके कारण इसका सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, लोगों ने इसको स्टाइलिश के नाम पे काफ़ी ज़्यादा खरीदा। आज की डेट में स्कूटर कैसी है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कैसी डिटेलिंग है इसकी, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या अपग्रेड किया गया है पहले के मुकाबले, जैसे कि आप सबसे अच्छा देखेंगे कि इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है जिसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, ये सब चीज़ें भी इसमें आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। इंजन स्टॉप बटन या फिर इंजन क्यू स्विच भी आपको देखने को मिल जाता है यहीं पर, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से बहुत अच्छी की गई है। जैसे कि आपको अगर आगे के रिम देखिएगा तो इसमें भी आपको जो है गोल्डन कलर के देखने को मिलते हैं जो कि एक्टिवा के किसी भी स्कूटर में भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, हालांकि मुझे ब्राउन लगता है लेकिन ये गोल्ड जो है वो नाम से फेमस है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और 12 इंच का टायर जो अपग्रेड करके यहाँ दिया गया है तो इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी, खूबसूरती दोनों ही चीज़ें आगे से यानी फ्रंट व्हील से बढ़ जाती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसका दाम बताऊं तो ये स्कूटर आज के रेट में आती है 91,000 रुपीज़ ऑन रोड, लगभग 78,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि 78,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 91,500 समथिंग आपको ऑन रोड प्राइस इसकी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन प्राइस में काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 110 सीसी में सेम एक्टिवा वाला इंजन खोज रहे हैं तो उस हिसाब से आपको देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छी स्कूटर है। अभी के रेट में आपको क्या क्या ऑफर कर दिया जाता है इस स्कूटर में, तो सबसे पहले देखेंगे तो आपको ऊपर में यानी कि सिर्फ की ऑन करने से DRLs ऑन हो जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मेन हेडलैम्प भी ऑन हो जाता है जिसमें हाई बीम लो बीम मिलता है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे बल्ब में देखने को मिलते हैं, इसकी भी रोशनी काफ़ी अच्छी है। चलिए आगे नीचे आते हैं तो ये सारे बॉडी आपको जो है वो फाइबर के देखने को मिलेंगे, ये भी आपको मिलेगा, ये और ये साइड बॉडी भी आपको यही सेम मटेरियल का देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ड्रम ब्रेक, इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं जिसमें HSmart वेरियंट भी आता है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ डिलक्स वेरियंट लाया हूँ तो सिर्फ इसके बारे में समझिए क्योंकि मैंने इसका ही आपको दाम बताया है यहाँ पर अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये स्टील रिम आपको काफ़ी सुंदर देखने को लग रहा होगा। यहाँ पे आ जाएं तो इसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा कि टायर कैसा है, टायर 12 इंच का आपको देखने को मिलता है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मैं आपको एक्टिवा का बता दूं तो एक्टिवा में 162 मिलता है, इसमें आपको 160 मिल जाता है, तो दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। साइड स्टैंड विद कटअप सीट, सेंटर स्टैंड का डिज़ाइन एवं सेम ही सेंटर स्टैंड आपको एक्टिवा वाला इसमें देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है। जो कवर होगा आपका CVT बॉक्स का वो थोड़ा अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बनाया गया है, हालांकि अंदर का सारा मटेरियल आपको एक जैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 10 इंच का टायर मिलता है, 10 इंच का स्टील रिम मिलता है। सॉकर 3 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा सा हाइट इसका एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, और हाइट के साथ साथ उसका जो ये होता है जो दबाव होता है वो भी एडजस्ट होता है, तो आपको कितना सॉफ्टनेस चाहिए कितना हार्डनेस चाहिए उसके अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर बाहर में देखने को मिलता है, ये बॉडी भी आपका फाइबर प्लास्टिक जो भी आप बोल सकते हैं ये सारी बॉडी भी देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स और ये बहुत ही अच्छे ग्रैबरल आपको डिज़ाइन के देखने को मिलेंगे, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। डियो जो है ब्रांडिंग वो आपको काफ़ी सुंदर लगेगी, और ये क्रोम में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका साइलेंसर गोल टाइप का दिया गया है और इसके ऊपर मफलर लगाया गया है, और ये लोहे का दिया गया है ताकि अगर इसमें कोई टकराता है, क्योंकि ये ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा लोगों के पैर में टकराती है तो इसी कारण से इसको लोहे का दिया गया है, तो आप अगर टकराते भी है तो सिर्फ स्क्रैचेज आएंगे, ये टूटेगी नहीं। तो मेन जो टूटने का चीज़ था, सबसे पहले जो टूटता है उसको यहाँ पे लोहे का कर दिया गया है तो टूटेगा नहीं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ ओपन और कवर किस तरीके से किया गया है, जैसे इसको यहाँ पर प्लास्टिक से कवर किया गया है इसके फ़ैन से, तो जो स्कूटर्स होती है वो फ़ैन कूल्ड और एयर कूल्ड होती है, तो यहाँ पर आपका जो फ़ैन होता है वो फ़ैन से जो है आपको मेन जो क्रैंकशाफ्ट होता है, जो पिस्टन होता है उसे जो कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, तो यहीं पे फ़ैन घूमती है, आप फ़ैन देख रहे होंगे, और इसी से स्कूटर ठंडा होता है। इसी कारण से ज़्यादा पानी में स्कूटर को चलाने में तकलीफ़ होती है, जबकि बाइक में ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं होती है, बाइक आराम से निकलती है, क्योंकि जो फ़ैन है ये घूमती नहीं है तो ओवरऑल वो इंजन को ही हार्ड बनाती है। तो ये सभी स्कूटर्स में, किसी भी स्कूटर को आप ले लीजिए किसी भी ब्रांड की, सब में आपको देखने को मिलेगी। चलिए आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर टेल लाइट काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा, ये भी सिर्फ की ऑन करने से आपका ऑन हो जाता है, और पीछे में आपका जो नंबर प्लेट लैंप है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और हैलोजन में दिया गया है, काफ़ी गर्म लग रहा है टच करने पे अभी ही। उसके आगे हम चलते हैं तो जो स्पेस मिलता है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप एक बोतल रख सकते हैं, हालांकि फुल लंबा नहीं हटेगा, जो 1 लीटर वाला होता है थोड़ा छोटा वाला उससे जो है वो हट जाएगा, डिज़ाइनर बोतल, हालांकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ क्वाइन टाइप का रखने के हिसाब से दिया गया है, हालांकि कुछ सिर्फ यहाँ पे गाड़ी पहुँचने वाला कपड़ा जो है वो आ सकता है, ताकि की जो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी लंबा देखने को मिलता है। इस तरीके से इसको लगा के आप अपना अंडर सीट स्टोरेज यानी कि ये डिक्की खोल सकते हैं और तेल का ढक्कन जो है वो खोल सकते हैं। तो मैं तेल का ढक्कन और डिक्की नीचे तो दोनों ही चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो तेल आप पीछे से यानी कि
आपको सीट को खोलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। 5.5 लीटर 5.2 है, ऐसे 5.5 लीटर तक तेल आ जाता है इसमें। उसके अलावा देखें तो जो अंडर सीट स्टोरेज है उसमें आपका एक फुल साइज हेलमेट यहाँ पे आराम से लग जाता है। और कुछ शार्प डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे जैसे शार्प जो है वो डक्ट बनाया गया है, जैसे सुपर कार से बनाया जाता है उस तरह से कुछ डक्ट बनाया गया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है ताकि हवा यहाँ से अंदर जाए और इंजन तक थोड़ा सा पहुँचे। यहाँ से भी थोड़ा डक्ट बनाया गया है कि हवा जो है डायरेक्टली इंजन तक पहुँचे और इंजन को थोड़ा सा ठंडा करे। और इस एरिया को भी देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगे डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया है, इसका प्रैक्टिकल उतना कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में रहिएगा तो थोड़ा सा डायनामिक्स बनाता है एयर डायनामिक्स, तो उससे आपका स्कूटर थोड़ा सा बैलेंस में रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से बनाया गया है। तो ये आप देखेंगे कि डिज़ाइन जो है थोड़ा यूनिक बनाया गया है। अगर फुटरेस भी देखेंगे तो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा अलग टाइप का आपको देखने को लगेगा। तो जो स्टाइलिश जो आप मैंने आपको बोला, तो उस हिसाब से अगर आप एक स्कूटर देखना चाह रहे हैं तो डियो जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आती है। मैंने दाम भी बताया कि दाम भी जिस स्टाइल में ये दे रही है सब कुछ, उस हिसाब से इसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। बहुत कम्फर्टेबल प्राइस में ये आपके सामने जो है वो मिलती है आपको, लगभग 91,000 रुपीज़ में आपको ये स्कूटर ऑन रोड मिल जाती है। तो अगर आप इस स्कूटर को खुद से चलाकर देखना चाहते हैं या फिर पहले से आपने रखा है तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस स्कूटर के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो सुमित्रा होंडा जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको सामने दिख रहा होगा, कॉल करें, खुद से टेस्ट राइड बुक करें, जाकर टेस्ट राइड लें और मुझे भी बताएं कि आपको ये स्कूटर कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।